Welcome, students. Today, we are going to start the next chapter, that is chapter number 16 AIDS to Health. And in this, we are going to learn about the immunity and about antibodies, then types of immunities, right? So, let's start. Immunity and body's defense mechanism. What is immunity? वोटीब्रेड्स के अंदर इम्यूनिटी वो एबिलिटी है जिसे वो अपने आप को इन्फेक्शन से बचाते हैं जो कि माइक्रोब से हो सकते हैं पैरासाइट से हो सकते हैं या अदर फॉरेन सब्सटेंसेस से हो सकते हैं जिन्हें हमारी बॉडी नॉन सेल्फ के फॉर्म में रिकॉग्नाइज करती है नॉन सेल्फ मतलब कि वो उसका पार्ट नहीं है कुछ और है कुछ फॉरन है ठीक है और दिस सिस्टम इज प्रोवाइडेड बाय इम्यून सिस्टम और ये जो इम्यूनिटी है ये जो प्रोटेक्शन है ये प्रोवाइड होता है एक सिस्टम से जिसको बोलते हैं इम्यून सिस्टम तो हमारी बॉडी में टू लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म होती हैं डिफेंस मैकेनिज्म मतलब अपने आप को पैथोजेंस से बचाने का मैकेनिज्म तो हमारी बॉडी में ये दो तरह के होते हैं इनको हम बोलते हैं टू लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म जिससे कि हमारी बॉडी अपने आप को पैथोजन से बचाती है या फिर डिजीज फ्री रखती है तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहला क्या है प्रिवेंट द एंट्री ऑफ पैथोजेंस इन टू आर बॉडी हमारी बॉडी के अंदर पैथोजेंस की एंट्री को ही रोकना पैथोजेंस मतलब कि डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पैथोजेंस बोलते हैं तो सबसे पहला स्टेप हो गया या फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म हो गया कि हम उस पैथोजन को ही हमारी बॉडी में अंदर ना आने दें ताकि कोई बीमारी हो ही ना सके तो उसको हम बोलते हैं लोकल डिफेंस मैकेनिज्म और नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म नॉन स्पेसिफिक मतलब होता है कि ये किसी पर्टिकुलर माइक्रो माइक्रोगैनिज्म की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं कि कोई भी माइक्रो माइक्रोर्गैनिज्म होगा तो उसकी एंट्री को ट करेगा देन इज फाइट पैथोजेंस एंटर द बॉडी अब मान लीजिए कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस करके अगर पैथोजेंस अंदर आ ही जाते हैं तो उनसे बॉडी क्या करती है लड़ती है तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म और इम्यूनिटी और उसी को हम बोलते हैं इम्यूनिटी या फिर स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं राइट right? तो यहां पर ये लोकल डिफेंस मैकेनिज्म है क्योंकि ये uh, जितने भी पैथोजेंस होते हैं उनको आने से

उनके साथ फाइट करते हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं राइट right? तो इस तरह से हम लोकल और नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म को दो सब uh, डिविजन में डिवाइड कर सकते हैं एक्सटर्नल डिफेंस सिस्टम एंड इंटरनल डिफेंस सिस्टम तो एक्सटर्नल डिफेंस सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यहाँ पे हम देखेंगे द बॉडीज एक्सटर्नल डिफेंस सिस्टम फॉर्म सी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट पैथोजेंस तो एक्सटर्नल डिफेंस सिस्टम को हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी बोलते हैं जो कि हमें पैथोजेंस uh, के अगेंस्ट में ये वर्क करता है तो इसमें दो तरह के होते हैं फिजिकल और केमिकल बैरियर्स तो विल सी वन बाई वन फर्स्ट वी विल सी फिजिकल बैरियर्स और इनको मैकेनिकल बैरियर्स भी बोला जाता है इसमें आते हैं हमारी स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन हेयर और सीलिया ये हमारी बॉडी के फिजिकल बैरियर्स हैं जो पैथोजेंस की एंट्री को रोकते हैं सबसे पहले हम देखेंगे स्किन स्किन को skin हमारी बॉडी की आउटर लेयर है जो कि केरेटिन से मिलकर बनी होती है और किरेटिन का ये कैरेक्टरिस्टिक होता है कि ये इमपर्मिएबल होता है ठीक है ये इसके अंदर कोई भी चीज अंदर नहीं जा सकती है ठीक है तो ये क्योंकि इम्पर्मिबल होता है इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अंदर नहीं जा सकते हैं तो बहुत सारे माइक्रोब्स जो होते हैं हमारे बॉडी के सर्फिस पे सेटल हो जाते हैं इकट्ठे हो जाते हैं लेकिन क्योंकि बॉडी इनपर्मेबल है उसके अंदर एंट्री नहीं हो सकती है स्किन के अंदर ठीक है तो इसीलिए ये जो माइक्रोर्गैनिज्म हैं ये अंदर नहीं जा पाते हैं अगर हमारी बॉडी में या हमारे स्किन में ठीक है कहीं पे भी अगर कट लग जाता है तो इमीडिएटली वहाँ पे आपने देखा है कि क्लॉटिंग हो जाती है ब्लड जो है वहां पे ब्लड uh, क्लॉटिंग का एक मैकेनिज्म होता है जिससे कि वहां पे प्लग हो जाता है प्लगिंग होने की वजह से क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी वूड के अंदर या जो चोट लगी हुई जो कट लगा हुआ उसके अंदर एंट्री नहीं हो पाती है तो ये इस तरह से स्किन जो है वो पैथजेंस की एंट्री को रोकती है सेकेंड देखेंगे म्यूकस मेम्ब्रेन म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है ये हमारी एलिमेंट्री को लाइन करती है ठीक है एलिमेंट्री के नाल को लाइन करती है माउथ को लाइन करती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट नेसल पैसेजेस और यूरोनोजेनाइटल ट्रैक्ट इन सारे ऑर्गन्स में ये लाइनिंग फॉर्म करती है यानी कि कवरिंग फॉर्म करती है म्यूकस मेम्ब्रेन म्यूकस को सिक्रीट करती है जो कि पाथर्जेंस को ट्रैप करती है यानी कि पकड़ती है और इंटरनल टिश्यूज की के अंदर इनकी एंट्री को रोकती है राइट सो दिस इज द फंक्शन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन देन हेयर आपके नोज अगर आप चेक करेंगे तो नोज के अंदर छोटे छोटे से हेयर्स होते हैं उनका फंक्शन क्या है जो डस्ट के साथ में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अंदर आते हैं उनको ये हेयर्स क्या करते हैं ट्रैप कर लेते हैं वहीं पे पकड़ विंड पाइप के अंदर जो सीलिया प्रेजेंट होते हैं वो बैक्टीरिया को थ्रोट के अंदर आउट कर देते हैं जो कि म्यूकस के साथ ट्रैप हो जाते हैं राइट देन वी विल सी केमिकल बैरियर्स और द जर्म किलिंग सिक्रीशंस हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे सिक्रीशंस प्रोड्यूस uh, होते हैं जो कि जर्म्स को किल करते हैं तो हम यहां पर देखेंगे सबसे पहले टियर्स स्वेट एसिड इन द स्टमक तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं ये केमिकल बैरियर्स की तरह काम करते हैं और ये पैथजेंस को किल करते हैं जो बॉडी के अंदर एंटर होते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे टीयर्स हमारी आई से जो टीयर्स निकलते हैं उनके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है इसको बोलते हैं लाइसोजाइम ठीक है तो ये एंजाइम्स क्या करते हैं ये बैक्टीरिया को किल करते हैं जो आइस के अंदर एंटर करते हैं देन स्वेट स्लाइवा और नेसल सिक्रीशन इनके अंदर भी लाइसोजाइम प्रेजेंट होते हैं और ये भी बैक्टीरिया को किल करते हैं देन गैस्ट्रिक जूस के अंदर एच होता है और हिपैटिक सेल्स सेक्रीट करते हैं बाइल को ये दोनों ही क्या करते हैं ये डिस्ट्रॉय करते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ को ठीक है बैक्टीरियल ग्रोथ को चेक भी करते हैं और बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय भी करते हैं जो कि खाने और पानी के साथ गट में चले जाते हैं ठीक है स्टमक के अंदर आ जाते हैं उनको एच और बाइल मिलकर ठीक है ये अपने अपना इनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है तो ये उन या तो बैक्टीरिया को किल कर देते हैं या फिर उनकी जो बैक्टीरियल ग्रोथ है उसको चेक करते हैं उस कंट्रोल करते हैं जो खाने और पानी के साथ हमारी बॉडी में एंटर करते हैं हमारे गट में एंटर कर जाते हैं देन ऑफ ग्लैंड जिनको ऑयल बोला जाता है इनके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं और इनका काम ये होता है कि या तो ये बैक्टीरिया को वीक कर देते हैं या फिर किल कर देते हैं जो कि स्किन पे प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया राइट देन वी विल सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडीज डिफरेंस मैन हमारी हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से मैकेनिज्म डिफेंस मैकेनिज्म है तो यहाँ पे हम देखेंगे टीयर्स अभी हमने पढ़ा कि टीयर्स के अंदर लाइसोसाइम्स होते हैं जो कि जर्म्स uh, को किल करते हैं जो हमारी आइज के अंदर आ जाते हैं देन म्यूकस मेम्ब्रेन जो कि हमारी नोज माउथ और लंग्स को लाइन करते हैं एलिमेंट्री केनाल को लाइनिंग करते हैं वो उन, इनको क्या करते हैं जर्म्स को किल करते हैं देन डब्ल्यू हमारी बॉडी में सर्कुलेट होते रहते हैं और ये उन जर्म्स को अटैक के ऊपर अटैक करते हैं जो हमारी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं या हम नुकसान पहुंचा रहे होते हैं

पोर्टल ऑफ पोर्टल्स ऑफ एंट्री ऑफ पैथजू बॉडी हमारी बॉडी के अंदर किस कौन कौन सी वो जगह हैं या एंट्री है या चैनल्स हैं पोर्टल्स हैं जिनके थ्रू पैथजेंस हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं जब हम इनहेल करते हैं ठीक है थीके? तब जाएंगे देन थ्रू कंजेक्टिवा थ्रू नोज माउथ स्किन देन थ्रू इम्प्लांटेशन इम्प्लांटेशन वो प्रोसेस होता है वुमेन के अंदर की हम बात कर रहे हैं कि जिस समय प्रेगनेंसी होती है उस टाइम पे जो इम्ब्रियो है उसका जो अटैचमेंट यूट्रस वॉल के साथ होता है उस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन बोलते हैं और उसके थ्रू भी माइक्रोब्स अंदर जा सकते हैं पाथोजेंस अंदर जा सकते हैं थ्रू इंजेक्शन थ्रू इंसेक्ट बाइट देन थ्रू द दे मैकेनिज्म नोन एज इंटरकोर्स ठीक है इंटरकोर्स के मैकेनिज्म में, में भी थ्रू यूरिथरा वेजाइना और एनिस पाथोजेंस की जो एंट्री है वो बॉडी में पॉसिबल है सो दीज आर द डिफरेंट पोर्टल्स ऑफ एंट्री ऑफ पैथोजेंस इन टू बॉडी नेक्स्ट कम्स इंटरनल डिफेंस सिस्टम एक्सटर्नल हमने पढ़ लिया जिसमें फिजिकल और केमिकल बैरियर्स पड़े अब नेक्स्ट टाइप है इंटरनल डिफेंस सिस्टम जिसको सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस भी बोला जाता है तो इसमें क्या होता है जब यहां पे जब पे देखिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस करके किसी भी तरह से अगर वो, वो बॉडी के अंदर आ जाते हैं तब उस उस समय में इंटरनल डिफेंस सिस्टम जो है वो उनको प्रिवेंट करने के लिए आगे आ जाता है तो इसमें हम देखेंगे कौन कौन से डिफरेंट वी कैन सी पार्टिसिपेशन किसका होता है यहां पे देखेंगे व्हाइट ब्लड सेल्स मैक्रोफेजेस एंड तो पहले हम देखेंगे व्हाइट ब्लड सेल्स इनको डब्ल्यू भी बोला जाता है और न्यूट्रोफिल्स भी बोला जाता है ये जो कैपिलरीज होती है ना ठीक है आपने आर्ट्रीज वेन्स कैपेलरीज आपने पढ़ा होगा तो जो कैपलरीज होती हैं उनके थ्रू ये उनकी वॉल के थ्रू बाहर निकल आते हैं स्क्वीज आउट मतलब उसमें से बाहर निकल आते हैं इस प्रोसेस को डाइपेडिय बोलते हैं और ये बाहर निकल के जितने पैथजेंस होते हैं उनको इनगल्फ कर लेते हैं सोलो कर लेते हैं इस प्रोसेस को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस और फिर उनको डिस्ट्रॉय करते हैं फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस में पैथजेंस को डब्ल्यू बी इनगल्फ करते हैं यानी कि सोलो कर लेते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो जो पस फॉर्मेशन होता है ठीक है आपने देखा होगा कि पस पर कभी कभी दाने होते हैं या कोई चोट होती है तो वहाँ पे पस फॉर्मेशन हो जाता है तो पस एक्चुअली में क्या होता है किसी भी घाव के अंदर जो पस है वो मिक्सचर होता है जो पैथोजेंस मर गए हैं उसमें वो होते हैं कुछ डब्ल्यू जो इस लड़ाई के दौरान मर जाते हैं वो और जो टिश्यू सेल्स होते हैं उनका जो डैमेज वाले सेल्स होते हैं तो इन तीनों का मिक्सचर ही पस फॉर्म करता है तो पस के अंदर किस चीज़ के मिक्सचर है डिस्ट्रॉयड पैथोजेंस के हैं केल्ड डब्ल्यू और डैमेज टिश्यू सेल्स ये तीनों के मिक्सचर को ही पस बोलते हैं देन कम्स द मैक्रोफेजेस मैक्रोफेजेस जो है वो बड़े बड़े एमिबॉयड सेल्स होते हैं ठीक है एमिबा शेप्ड कह सकते हैं क्योंकि ये uh, एमीपर शेप इसलिए बोलते हैं किन का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है तो ये अमीपॉय सेल्स होते हैं बड़े बड़े होते हैं और टिश्यू के अंदर लोकेटेड होते हैं लिंप नोड में होते हैं स्प्लीन में होते हैं और ब्लड वेसल्स की लाइनिंग में होते हैं तो ये क्या करते हैं जहां पे भी इन्फेक्शन होता है ठीक है पैथोजेंस जहाँ पे आ जाते हैं जैसे कि डब्ल्यू होते हैं वैसे ये भी जहां पे भी इन्फेक्शन होता है उस जगह पर वही पहुंच जाते हैं और पैथोजेंस को इनगल्फ कर लेते हैं या फिर सोलो कर लेते हैं जिस तरह से डब्ल्यू करते हैं उसी तरह से माइक्रोफेजिस भी करते हैं